चलिए तुम लोग और आगे डील करते हैं, आज ब्रायोफाइट को एंड कर दूंगा और ब्रायोफाइट के बाद टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म का आपके पास एक घंटे का लेक्चर जाएगा यूट्यूब पे, मैंने आपको पहले बताया था है ना, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, मेरा ही लेक्चर होगा, वो लेक्चर किसी और का नहीं होगा, ठीक है। अच्छा एक और बात, तुम लोगों को हम एक रिविजन लेक्चर भेज दे सेल में, याद है एलएम का, उस तरह का लेक्चर और जरूरत है या फिर इट्स ओके ठीक है, चैप्टर बताओ अच्छा एक काम करते हैं, इस तीनों चैप्टर का एक साथ भेज दूंगा, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम, क्योंकि ये तीनों चैप्टर टेस्ट में आएगा, ठीक है। चलिए हमने ये जान लिया था, अच्छा तुम वीडियो देख लिए तो फिर पढ़ियो पॉलिजन, हमने ये जान लिया था कि मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड, ये पढ़े थे ना, मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड, हैप्लॉइड। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट लैक्स ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ, देखो याद है या फीफा से बोलना, हमने भेजे तो ग्रुप में तो भेजेंगे तो वो भी भेज दे, इट लैक्स ट्रू स्टेम रूट एंड लीफ, हाँ तुम लिख ले, लिख अभी तक लिख सकते हैं, इस पेज में लिखो चलेगा, इस पेज में इट लैक्स ट्रू स्टेम लीफ एंड रूट्स बट रूट लाइक स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, बट रूट लाइक स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, तुम लोग लिख लियो पीछे लिख लियो, बट रूट लाइक स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, देखो एक्चुअल स्टेम रूट और लीफ नहीं होता, लेकिन रूट के जैसा, लीफ के जैसा और स्टेम के जैसा स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टी सेलुलर, सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टी सेलुलर, बट रूट लाइक स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, बट रूट लाइक स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। नेक्स्ट पॉइंट, सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टी सेलुलर, सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टी सेलुलर, ये जो ब्रायोफाइट है इनमें जो सेक्स ऑर्गन्स है, जैसे अभी मैंने बात करा था एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम को मार्केट से एग्जाम्पल, जिसके डायग्राम में बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, याद आ रहा है, उसका सेक्स ऑर्गन देखो एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम को देखो, मल्टी सेलुलर है दिख रहा है, मतलब मल्टी सेलुलर है, तो इसमें सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर। नेक्स्ट पॉइंट, मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम, मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम, मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम विच प्रोड्यूसेस बाइफ्लैजिलेट आर्की एंथ्रोजोइड्स, विच प्रोड्यूसेस बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजोइड्स, विच प्रोड्यूसेस बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजोइड्स, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, फीमेल सेक्स ऑर्गन इज फ्लास्क शेप्ड, देखो जो भी स्पेशल शेप हो ना उसे रट लेना, जैसे बताया फीमेल सेक्स ऑर्गन कैसा, फ्लास्क शेप, तो याद रखना है, देखिए फीमेल सेक्स ऑर्गन इज फ्लास्क शेप्ड आर्किगोनियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन इज फ्लास्क शेप्ड आर्किगोनियम विच प्रोड्यूसेस सिंगल एग, फीमेल सेक्स ऑर्गन इज फ्लास्क शेप्ड आर्किगोनियम विच प्रोड्यूसेस सिंगल एग, विच प्रोड्यूसेस सिंगल एग, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ दो फ्लैजिला होता है एंथ्रोजोइट्स में, इसलिए बोले बाई फ्लैजिलेट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, फ्यूजन अकर्स इन वाटर, माइंड मैंने आपको बताया था ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम,
एंड इन ईच एम्फीबियन लाइफ साइकिल तो जमीन में पूरा हो जाएगा, बट फॉर रिप्रोडक्शन दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर. तो दिस इज एम्फीबियन द प्लांट किंगडम एंड दैट्स व्हाई इट कैन लीव ऑन लैंड बट इज डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन. ओके, राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट. फ्यूजन अकर्स इन वाटर. फ्यूजन अकर्स इन वाटर एंड जाइगोट. फ्यूजन अकर्स इन वाटर एंड जाइगोट डज नॉट इमीडिएटली अंडरगोज म्यूसिस. एंड जाइगोट डज नॉट इमीडिएटली एंड जाइगोट डज नॉट इमीड नहीं इसके बाद एनिमल थी दो लेक्चर एनिमल तीन लेक्चर उसके बाद फिर बाकी सब रिकॉर्डेड जाएगा फिर सब क्योंकि सिलेबस भी तो फटाफट निकाला ना हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं सितंबर आ गया नवंबर से पहले हम लोग पॉइंट करना ज्यादा चैप्टर भी अब नहीं बड़ा चैप्टर सब निकाल दिए बोरिंग बोरिंग जो है समझने वाला समझेंगे नोट्स जैसे भी गया वैसे चला जाएगा समझना सब कुछ सबका टेस्ट हो गया जितना चैप्टर हुआ सबका ऑलमोस्ट टेस्ट हो गया कोई चैप्टर बचा है अब तुम्हारे तो बायोलॉजी का लेक्चर सुन सुना तुमको बोल रहा हूँ एक बार बायोलॉजी का लेक्चर दोबारा देखना क्योंकि तुम केमिस्ट्री पढ़ लेंगे ऑर्गेनिक अब देखते रहो कैसे समझ में आया आपको बॉन्ड समझ में आएगा आप तेरे को समझ में आएगा वाटर कैसे निकलता है तेरे को सब कुछ समझ में आएगा आता है ना धीरे धीरे सब आएगा ऑर्गेनिक का बस कमी था उनकी टेस्ट ऑर्गेनिक खैर चलिए और बताइए एक बार कहाँ थे एंड जाइगोट डज नॉट इमीडिएटली अंडरगोज म्यूसिस देखे मतलब पिछले वाले में जाइगोट में तुरंत म्यूसिस हो रहा था हैप्लॉइड लाइफ साइकिल आ रहा था यहां पे तुरंत म्यूसिस नहीं होता है कुछ समय के बाद म्यूसिस होता है ठीक तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट ये लिखिए फ्यूजन अकर्स इन वाटर एंड जाइगोट डज नॉट इमीडिएटली अंडरगोज म्यूसिस हो गया नेक्स्ट पॉइंट देखिए दे प्रोड्यूस अ मल्टी सेलुलर बॉडी They produce a multicellular body called sporophyte. They produce a multicellular body called sporophyte, which is not free living. मैंने आपको बताया था कि free living नहीं होता ये dependent होता है food के लिए gametophyte पे. Gametophyte क्या और sporophyte क्या ये मैंने last class में explain करा था ठीक है तो They produce a multicellular body called sporophyte, which is not free living, but is parasite on gametophyte. कौन सा वाला? Parasite होता है ये? Gametophyte. जो gamete बनाता है गैमेटोफाइट उसको बोलते हैं विच प्रोड्यूसेस गैमेट्स तो क्या हुआ गैमेट्स बना मेल गैमेट बना फीमेल गैमेट बना दोनों फ्यूज करा बना जाइगोट ये एम था ये भी एम था ये क्या बना अब ये सेल डिवीजन करके बहुत सारा एक बॉडी बनाता है इस बॉडी को बोलते हैं जो गैमेट बनाया उसको क्या बोले गैमेटोफाइट और गैमेटोफाइट से जो गैमेट बना फ्यूजन हुआ टू एन बना उससे जो बॉडी बना मतलब ये जो टू एन है वो क्या है स्पोरोफाइट एक अब कुछ समय के बाद इस स्पोरोफाइट में म्यूसिस होगा और स्पोर बनेगा स्पोर फिर से डिस्पर्स कर गया यार देखो अब ये स्पोर जहां लैंड होगा वहां से फिर से गैमेटोफाइट निकलेगा ठीक ये जो होता है ये फोटोसिंथेटिक होता है और ये जो गैमेट स्पोरोफाइट होता है ये फोटोसिंथेटिक नहीं होता ठीक है तो ये जो स्पोरोफाइट है
ये अपना न्यूट्रिशन डिराइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। इससे न्यूट्रिशन डिराइव करता है फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से, और चूंकि ये इस पे डिपेंडेंट है फॉर फूड, दैट इज व्हाई स्पोरोफाइट इज कॉल्ड पैरासाइट ऑन गैमेटोफाइट। दैट इज व्हाई स्पोरोफाइट इज कॉल्ड पैरासाइट। पैरासाइट उसी को बोलते हैं जो अपना फूड किसी और से डिराइव करे, और जो किसी और से डिराइव करे वो लिविंग होना चाहिए। जाहिर सा बात है यहाँ पे ये लिविंग है उससे डिराइव कर रहा, और जाहिर सा बात है अगर गैमेटोफाइट से डिराइव कर रहा न्यूट्रिशन तो गैमेटोफाइट के न्यूट्रिशन का कमी हो गया, मतलब गैमेटोफाइट को थोड़ा सा हार्म हो रहा है। तो वैसा रिलेशनशिप जिसमें एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड करता हो, दोनों लिविंग हो, और जिस जो फीड किया उसका फायदा, जिस पे फीड किया उसका नुकसान, इस रिलेशन को बोलते हैं पैरासिटिज्म। क्या बोलते हैं? पैरासिटिज्म। चलिए अगला, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रायफाइट। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट का कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिखिए। और फर्स्ट पॉइंट, दे आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। They are of little economic importance. They are of little economic importance, but of great ecological importance. मतलब ये कुछ ऐसा चीज है जिसको से हम पैसा कमा सकें, लेकिन इकोलॉजिकली इसका बहुत रोल है। मिट्टी बनाने में हेल्प करता है, सॉइल इरोजन को रोकता है, बहुत सारा रोल। तो इकोलॉजिकल तो बहुत हेल्प करा, लेकिन इसमें कोई ऐसा मेंबर नहीं जिसको हम बेच के कमा सके। जैसे मान लो एल्गी में कुछ ऐसा एल्गी था जो हाई प्रोटीन रिच था, तो अगर वो एल्गी हम अपने घर में उगाएंगे तो उसको हम बेच कर पैसा कमाएंगे, तो मेरे लिए उसका कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस था। बट ब्रायोफाइट का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत कम होता है, बट दे आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। ओके, फर्स्ट पॉइंट। अच्छा नहीं, फर्स्ट पॉइंट भी लिखिए, सेकंड पॉइंट स्पैगनम। SPHAGNUM स्पैगनम लिखिए। स्पैगनम ऑल्सो कॉल्ड पीट मॉस, इसका एक और नाम है पीट मॉस। ये वही मॉस है, देखो एक्चुअली में ब्रायोफाइट दो ग्रुप में बटा हुआ, लिवरवॉर्ट और मॉसेस। कितने ग्रुप में? दो ग्रुप। नाम? ब्रायोफाइट दो ग्रुप, एक को बोले लिवरवॉर्ट, दूसरे को बोले मॉसेस। समझे? समझे नहीं समझे? समझ। अब ये जो स्पैगनम है ये एक मॉस का एग्जांपल है। दूसरा नाम है मॉस, क्या होता है आगे समझाऊंगा इसे कैरेक्टर्स, बट स्पैगनम इज एन एग्जांपल ऑफ मॉस। और ये वो मॉस है जो आज से हजारों हजार साल पहले इस धरती पे बहुत ज्यादा मिलता था, ठीक है। और वही मॉस जब धरती के अंदर दबा तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर के इन्फ्लुएंस में आज वही मॉस ही जो है वो कोयला बन के हमारे सामने। माइंड इट, हर पौधा जो जमीन के नीचे दबा हजारों हजार साल में कोयला बन के निकला, और हर मछली जो समुद्र के अंदर कभी मर के दबी वो हजारों हजार साल से बाद पेट्रोलियम तेल बन के निकला। बुझाएंगे नहीं बुझाएंगे ना? अच्छा, तुम में से किसी के पास अमेज़न प्राइम का सब्सक्रिप्शन है? प्राइम वीडियो कोई नहीं, सब गरीब हो। हमको नहीं दिखाना, मेरे पास तो है, तुम लोगों को दिखाना। क्या सब है तो बताते हैं। एक उसमें एक वेब सीरीज है मुंबई डायरीज, 27/11 अटैक जो हुआ था उस पर बेस्ड। पापा के पास होगा? क्यों?
क्या है तुम्हारे पापा? पापा बोलो एरिया कोऑर्डिनेटर। अच्छा जो मुंबई डायरीज वेब सीरीज है इसमें ये 27/11 के अटैक्स पे है और इसमें अटैक के वक्त पुलिस का क्या रोल था, कैसे जो भी टेररिस्ट लोग अटैक कर रहे थे और हमारे पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस उसको न्यूट्रलाइज कर रहे थे। न्यूट्रलाइज मतलब डिस्कैप, इतना बुझाएंगे नहीं। तो ये जो न्यूट्रलाइज कर रहे थे इसपे तो बहुत सारा मूवीज है अभी के टाइम में, लेकिन ये जो मुंबई डायरीज है ये उसी टेररिस्ट अटैक के टाइम में हॉस्पिटल्स पे जो डॉक्टर्स लोगों का हालत था उस पर बेस्ड है। कैसे डॉक्टर एक के बाद पेशेंट आया जा रहा है, भाग दौड़ कैसे उसको इलाज कर रहे हैं, अचानक से किसी का पेट पे गोली लगा हुआ है, किसी का आंख पे गोली लगा हुआ है, तुरंत से आपको ऑपरेशन के लिए रेडी होना होता है, तुरंत आप उसको काट रहे हैं, तुरंत ऑपरेट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से दिखाया है। एक बार अगर देख सकते तो देखना। देखो पढ़ाई के अलावा बाकी सब्जेक्ट का नॉलेज होता है। सबको तो कोटा फैक्टर मानते कभी देखे ही नहीं। नेटफ्लिक्स को छोड़ के बाकी नेटफ्लिक्स पे तुमको क्या देखना, वहां तो सब इंग्लिश वेब सीरीज आता है। वेब सीरीज का ही बात कर, अब जो वेब सीरीज आ रहा है एक से बढ़ के आप रिवरडेल देखिए, हॉस्टेसेस देखिए, हॉटस्टार का सब सब सेंड कर दीजिए फायर टाइम। कितनी तेज है, मतलब अच्छा वो ये नहीं बोले कि भैया कि लैपटॉप लेके आ जाइए यहीं बैठ के देखते हैं। चिढ़ते हो जाते आप। 13 रीजंस व्हाई देखिए बहुत अच्छी, आप देखिए हम बुक पढ़े हैं Breathe into the shadows, Amazon Prime का वेब सीरीज। Amazon पे बहुत अच्छा वेब सीरीज बना पाताल लोक। सर आप यही सब करते रहते हैं, मतलब वेब सीरीज देखते मेरा अलग ही तरह का हालत है। उनके पास दिन में 30 घंटा होता है, हम लोग को भी तक कर रहे हैं वेब सीरीज भी देखते हैं। हम जब वेब सीरीज देखते हैं बात शुरू किए जैसे मुंबई डायरी, मतलब एकदम बोर हो जाए, हाँ बात रात रात तक खत्म हो जाए। 9 से एपिसोड है हर एपिसोड 50 मिनट का। एक दिन में 10 घंटा मूवी देखे हुए देख लियो लगातार देख लियो कभी देखी हो बहुत। हाँ तो फोन मेरा भी सुना जाता है, मम्मी जब नहीं होती तब देखना पड़ता है, माँ कहीं बाहर गए होते एकदम घर के बाहर बोर्ड टांग कर डू नॉट डिस्टर्ब TND एक्टिवेटेड एकदम, जहाँ फोन का कोड हो, ऐसे मेरा कोड थोड़ा लंबा है, तकिया लगाओ और मस्त लेट जाओ, वाईफाई ऑन करो, सुबह 6 बजे जो बैठे फिर एक बार बीच में उठो आधा घंटा के लिए, कुछ मैगी वैगी बनाओ उसमें भी कुछ कुछ देखते रहो, खाए फिर लगे शाम के 6 बजे जब तक आंख दर्द नहीं हो जाए, हाथ लगे जाम हो गया है फोन पकड़े पकड़े तब तक फोन नहीं छूटता है, उसके बाद लास्ट में चलो 10 मिनट पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद फोन रखते हो, किताब खोलो, किताब खोले बाद फील जमा जाए कि नहीं कितने सही बच्चे मम्मी नहीं फिर भी पढ़ रहे हैं, उसके बाद किताब बंद कर दो फिर चलो। हाँ अभी अच्छा बीच में 10 मिनट का और ब्रेक, कुछ मंचूरियन सब लेकर आ जाओ बाहर से, और क्योंकि घर में अगर सिर्फ बाहर का खाओगे तो मम्मी अगले दिन जान मार देगी, पैसा अगले दिन पहुंच जाएगी वापस लौट जाएगी, इसीलिए मम्मी लोग को भरोसा दिलाते रहे ना खा रहे हैं पढ़ रहे हैं, हाँ इस सबसे बड़ा टेंशन दूध पी लिए हैं, अभी कौन सब्जी बनाएगा, क्या मंचूरियन लाओ चावल चढ़ाओ दाल चढ़ाओ सीटी मारा
ऑफ कर दो, उसके बाद देखते रहो। मतलब ये वो टाइम होता है जब रात का खाना 1 बजे होता है। अभी डर डर गए, कहीं मम्मी बीच में फोन कर दी ना, तो गए बोले वीडियो कॉल करके दिखाओ कहाँ कुकर है, तो गए। उसका भी उपाय करके रखा जाता है, आदमी चावल को अलग प्लेट में निकाल के रखता है, कुकर को इस तरीके से छोड़ता है कि देख के लगे कि इसमें चावल बना था, थोड़ा गंदा वाला जान चुके था, थोड़ा चावल गंदा छोड़ दिया था इंटेंशनली, क्योंकि सिर्फ पानी भरा जाएगा तो गाली ही लौटना है। एक तो लोग सकी दिमाग खर्चा भी, यहाँ भी जाए के बाद तो लोग एकदम रॉ चीज बन जाती है। शाम में कहा था घर में, अच्छा फलानी आज तेरे को वहां देखी, अच्छा अरे गजब वाला था, हमसे बात कर रहा है, फलानी आंटी से खबर निकाल दिया, ठीक क्या बात हुआ, क्या ही करना होगा। खैर कितना दुख सुनाए, एक बार दुख सुनाए थे ना, एक घंटा बीत गया था, रहने देते हैं आज, वैसे भी कल लोग का फास्टिंग है, दिनों लोग थोड़े देखें, कहीं मेरा वीडियो देख ली ना, तो गजब ही वाला होता है, तुम लोगों को तो काम भी लगा दिया आ गया होगा, सुबह सुबह नहीं करना है, फ्री करना है, फ्री करना है, फ्री करना इतना हो जाना चाहिए, तुम लोग का क्या होता है पता है, किड्स के लिए किया जाता है, नहीं पता, माँ अपने बच्चों के लिए करती है, अभी बेचारे लोग माँ नहीं बनी, बच्चा कहाँ से आएगा, खाना भी नहीं, पानी भी नहीं, इसीलिए खाना वाना कौन बनाएगा, आपके पास तो जाएंगे नहीं फास्टिंग, आपके पास नहीं जाता ना, ऐसा कुछ ये है नहीं, रूल नहीं, अपने मन से, अपने मन से, मतलब जैसे रमजान में होता है पूरा फैमिली फास्टिंग है, छोटा बच्चा के घर में नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, सब लोग बाहर ही बैठा हुआ, ऐसे में घूमा घूमा हुआ, खाना तो बनता ही है, तो रात के लिए ना, रात के लिए शाम के, लेकिन हम जहाँ तक जानते हैं इफ्तार के वक्त तो सबसे पहले शरबत गटका जाता है, 2-3 जग गटका गया उसके बाद दिमाग ठंडाता है, आधा घंटा बाद खाने वाने का पता, वही तो इफ्तार बनना शुरू होता है 1 बजे से, अगर देखा जाए रोज रोज रोज, हमको जहाँ तक पता था दानिश्वरी बताया था भाई शाम में तो तुम जानो टाइप खाते हो, बोले बस पागल खाता कौन है, यहाँ तो एक दूसरे के पानी निकल जाते हैं, उसके बाद लगता है कि शरीर कुछ झंझना रहा है, डॉक्टर साहब आपसे बहुत गर्मी हो जाता है यार, यहाँ तो और भयानक गर्मी में पड़ रहा है, इस साल तो फिर भी ठीक था, लॉकडाउन में सब तो घर में थे पिछले साल, ऐसे नॉट प्रैक्टिकल की सब लोग कर पाए, सबसे नहीं हो पाए, हाँ ये भी लेकिन रूल है कि अगर आप नहीं कर पाए तो फिर ठंड के दिनों में उसको पूरा किया जाता है, जरूरी है ठंड के दिन जब भी आपको करना चाहिए, हाँ तो लोग समझदार होते हैं ठंड के दिन नहीं पूरा करते हैं। खैर चलिए इकोनॉमिक ये ऐसे भी बहुत सारे लोग फिजिकली फिट नहीं होते, जैसे कि डायबिटिक वालों को फाइबर कुछ ना कुछ खाना होता तो वो लोग नहीं रख सकते हैं, और भी कुछ लोगों की मेडिकल कंडीशन होते तो वो लोग नहीं रख सकते, तो मैं नहीं रख सकती, तो मैं रखती हूँ, लेकिन जैसे कि तुम नहीं रख सकती हो, क्यों डायबिटिक हो, तो उसका कुछ कुछ सिम्टम्स है लेकिन मेरे में बहुत वीक है उसी वजह से, इंजेक्शन लगता है उतना भी हम करने की इंसुलिन लग रहा है, लेकिन हम मेरे फैमिली में है, मेरी मम्मी है और भी है, मेरी मम्मी को भी नहीं है, मेरा नहीं कोई टेंशन, लेकिन वो जो होते हैं ना घर पे क्या बोलते हैं शुगर वाला वो क्या होते हैं, तो हम डायबिटीज हुआ है, मजा आता है, नहीं भाई डर लगता है मेरे को, क्यों डर लगता है, हमको पता है थोड़ा सा लगता है, लेकिन हम बस एक बार के तो बहुत बचपन के जिस पर हमको डर लगता है, हम बस डर डर के एक बार के जिसके डर दिया कुछ नहीं होता है सर, लेकिन फिर क्यों हम अपने आप को डर करें लीडर से, और ऊपर से लीडर चेंज नहीं होता है, एक पैर से होता है, अपने हाथ से कौन अपने आप को लीडर डालने जाएगा, फिर भी कम कर दो पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलता सर, हम बहुत
नहीं बेस्ट हमको दे दो। हाँ वो तो पता चला था तुम कांटे कैक्टस में गिरे थे। चलिए आगे पेन बोल ऐसे दर्द नहीं हुआ एकदम दर्द नहीं होता ऐसा लगता है कि मच्छर अच्छा होगा काट लिया ऐसा लगता है करंट बन गया वो करंट वाला पेन आता है दोस्त बोलता है कि सपोर्ट और उसके बाद तो जब तुझे पंच क्या कर दे तुमको करंट लगता है बस उतने दर्द वो तो अच्छा करंट लगता है ना करंट हाँ लगता है लेकिन इसमें सर आपको लगा है क्या समझदार है मेरे सामने वो करंट वाला पेन आया है लेकिन हमसे पहला वाले शिकार व्यवहार बन गया तो हम उसके बाद इतने बड़े थोड़े मेरा जो पैसा है लाओ हम जरा ट्राई करते हैं। चलिए लिखिए स्पैग्नम बता दिया इसको पीट मॉस भी बोलते हैं और इट इज आल्सो यूज्ड एज पैकिंग मटेरियल तो डैश देके लिख लीजिए अंडरलाइन करके यूज एज पैकिंग मटेरियल अच्छा अगर हाइड्रोक्लोराइड्स ये भी तो हाइड्रोक्लोराइड्स नो जैसा है बिल्कुल यूज़ द पैकिंग मटेरियल हाइड्रोक्लोराइड जैसा ही है ये भी वाटर रिटेन कर सकता लंबे समय तक और वैसे भी एक मिनट काम करना है ना छुट्टी कल का छुट्टी चल रहा है तो अभी टीटीएस ही चल रहा है अभी तक हमने फाइनल थोड़ा ना किया। अच्छा हाँ एमडब्ल्यू में तो उसको भयानक वाला दिक्कत हो रहा है क्या हो गया कुछ प्रॉब्लम सर नहीं आ सकते सर आपने पूछा बस नहीं आ सकते क्लास का सर नहीं क्लास क्लास मेरा ऑनलाइन क्लास रहता है हम टीटीएस में ऑफलाइन क्लास में रखे हुए हैं ना सर मेरा पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा स्केड्यूल आप टीटीएस चालू की थे इससे डिस्टर्ब नहीं है बजा है छूट नहीं रहेगा लाइफ में मेरे को नहीं करना नहीं चाहिए मेरे को लाइफ में ऑलरेडी हम बहुत डिस्टर्ब दोनों का क्लास टीटीएस ही रहेगा लेकिन एस का डेफिनेशन बदल के सैटरडे की बजाय संडे हो जाएगा ठीक है संडे को सुबह में सुबह में क्लास होता है सर कितना बजे एक दिन सोते सर बायो का क्लास होता है सॉरी बायो बोल रहे हैं फिजिक्स का पूछ लीजिए यार हाँ ठीक है कितना बजे साढ़े आठ से कभी साढ़े नौ से कभी फिर केमिस्ट्री का भी एक्स्ट्रा क्लास होता है सुबह में अभी अभी ना होता है अभी नहीं होता एकदम संडे में तो लगता है कि बच्चे एकदम खाली भर में पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा क्लास या फिर टेस्ट लगा दो आज हम तीन चार दिन के बाद जाते तीन क्लास चार मेरा अटेंडेंट मिस था आज गए एकदम सरप्राइज मिल गया क्लास में सोचो सरप्राइज टेस्ट खराब हो गया मेरा मेरी मम्मी बोल रही थी मत जाओ बहुत तभी थक गई हो ये वो बहुत जाएंगे टेस्ट देने मैं नहीं देख रही थी सबको खड़ा हुआ है पेपर लेके दरवाजे से भाग जाना चाहिए नहीं हम लेट आए देखिए बैठ रहे हो उन लोगों को अच्छा एक काम करते हैं अभी भी एक काम हो सकता है क्या ये कॉलेज में जी क्या ये कॉलेज अच्छा नहीं ये फिजिक्स क्लास कहाँ ट्यूशन ली वैसे अभी नहीं लिए अभी आते थे अरे मतलब आई के पास कौन से थे अरे मेरा वहाँ पे था कमेंट कर दे अरे मेरा पास कर दे अभी मॉम कमेंट में नहीं रहते बोले थे वो लोग की सीबीएसई करेंगे उनके अपने स्टूडेंट्स को भी बोला था कि सीबीएसई पढ़ाएंगे लेकिन बाद में उनके स्कूल का कुछ मतलब लीगल इश्यूज हो गया तो वो लोग कन्वर्ट नहीं करा पाए तो फिर आईसीएसई रह गया तो फिर मेरे को माइग्रेशन करवाना पड़ा था सीबीएसई से आईसीएसई बहुत दूर पड़ रहा था मंडे को आ सकते हो सना एक दिन मंडे मंडे ट्यूजडे और थर्सडे परमानेंट तुम्हारा क्लास सैटरडे को वाला मंडे को सर्व कर रहा हूँ संडे को भी तो लोगों को दिक्कत है सैटरडे को
अगर करूंगा तो क्लास छूटेगा, समय आएगा। मंडे में कितने बजे? नहीं शाम, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे कर दीजिए। सैटरडे तो इशू हो रहा है, सैटरडे को ध्यान नहीं रहता ना टेंथ में, साढ़े चार तो साढ़े तीन साढ़े चार तो फिर भी ठीक है, बट फिर एक दिन सैटरडे मंडे नहीं, वैसे ट्यूसडे को खाली, ट्यूसडे को चार बजे से कोई दिक्कत थोड़ा ना, ट्यूसडे थर्सडे भी ठीक है। सैटरडे वाले भी इश्यू है, बाद में बोल रहा हूँ, या तो संडे को कर दो तो सैटरडे छोड़ दूंगा, तो संडे को शाम में कर दीजिए ना, संडे शाम बहुत कचरा टाइम है, संडे को सुबह में तो क्लास रहेगा ही रहेगा, इसलिए तो बोल रहा हूँ मंडे को तुम एक दिन बस बस सिर्फ मंडे संभाल लो, वेडनेसडे फ्राइडे छोड़ दो, ऑफ ही रहूंगा। अच्छा सर, हम आपको पूछ के बताते हैं। पूछ के मतलब? अच्छा घर पे मशवरा, ट्राई करना कि अगर MWF के लिए मान जाए कोई दिक्कत नहीं, MWF अगर हो गया फिर से मेरा पूरा हफ्ता लगा रहेगा सर, बाहर जाना क्लासेस करना बहुत दूर से आते हैं ना सर, घर वाला तो नजदीक ही पड़ता है, इधर वाला तो दूर पड़ता है ना, चाहे तुम TTS में आओ या MWF में आओ, यहाँ के तुमको अलग से घर जाना होता है, ऐसा तो नहीं है कि तुम सीधा कोचिंग जाती हो और वहीं से डायरेक्टली आती हो, कोचिंग तो नहीं आती हो ना, अभी घर से ही आ रही हो ना कि कोचिंग से आ रही हो? आज तो अगर आप पहले कोचिंग मतलब तो आप नहीं सर डायरेक्टली आ जाती हो, मेरा घर बहुत अंदर है सर, सिर्फ सैटरडे क्या हो जाएगा? अच्छा एक बार फाइनल चलिए पहले इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर देता हूँ, फिर बाकी इशू टाइम हुआ आप ऐसे एनए लिखे थे ना सर, ना रियाल लिखे थे, मुझे लगा था गलती से मैच हो गया है, इसको कंप्लीट कर दे, पांच मिनट लिखिए। स्टैग्नम आप समझ चुके हैं, इसको पीट मॉस भी बोलते हैं, इट इज यूज द स्टैकिंग मटेरियल। दूसरा बात ये भी बताया कि इसमें भी हाइड्रोक्लोराइड की तरह वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इट डिकम्पोजेज रॉक्स टू मेक सबस्ट्रेट सुटेबल, इट डिकम्पोजेज रॉक्स टू मेक सबस्ट्रेट सुटेबल, टू मेक सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स, मेक सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स, मेक सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। हो गया, दोबारा लिखते क्या तुम? मेक सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स, हो गया।
नेक्स्ट पॉइंट सर, हम दो चैप्टर ड्रॉइंग्स दिए थे ना, एक मॉर्फोलॉजी का दिए थे और एक स्ट्रक्चर, ये नहीं सर, दो चैप्टर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट टू कोलोनाइज रॉक्स, ये पहले ऑर्गेनिज्म थे, पहले प्लांट थे जो रॉक पे भी गिराना चालू किए। फर्स्ट टू कोलोनाइज रॉक, मैं स्टैग्नम की बात नहीं कर रहा हूं, एज अ होल ब्रैकेट की बात कर रहा हूं। फर्स्ट टू कोलोनाइज रॉक्स हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, दे फॉर्म डेंस मैट ऑन द सोयल, दे फॉर्म डेंस मैट ऑन द सोयल टू रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन, टू रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ठीक है, चलिए इट्स ऑल फॉर टुडे। कोशिश करूंगा अगर टाइम मिला तो घर में लीवर वॉट और मॉसेस का लेक्चर बना दूंगा, क्योंकि मुश्किल से 20-25 मिनट का होगा। फिजिक्स में आज हम काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। ग्रीन डायमेंशन हो गया, वैसे क्या हो गया। एनसीईआरटी पर जरूरी है।